तालुक्यावर प्रेम करणारे राजनीति की कुछ चित्र हम आपको ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन हकीकत यह है कि अगर कार्यकर्ताओं को ठीक समय पर और ठीक तरीके से सम्मान दिया जाए तो कार्यकर्ता किसी भी दल में अपने आप को महफूज रखते हैं और अपने नेता के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना उनके अंदर जागृत रहती है। एक ऐसी तस्वीर है हितेंद्र ठाकुर की। बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर और वसई से आमदार हैं। इनकी राजनीतिक कामकाज के बारे में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अपनी भाषा और अपने कामकाज को लेकर उनके तरीके इस तरह हैं जिसके लिए वो चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। ये तस्वीर देखिए आप। नारायण राणे जब आए थे उस दौरान नीलेश राणे भी वहां पर उपस्थित थे। नीलेश राणे को सम्मान देने की जो तरीका था उनका, उसके अलावा कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का जो तरीका था, वो कैमरे में कैद हुआ और उसमें कई सारे राजनीतिक विश्लेषण अगर लगाए जाए, नेता किस प्रकार का होना चाहिए सम्मान देने के प्रति, वो दिखाई दिया। तस्वीरें कुछ देखिए। पहली तस्वीर, नीलेश राणे जब वहां पहुंचते तो नीलेश राणे अंधेरा होने के कारण उनको मालूम नहीं पड़ता कि हितेंद्र ठाकुर वहीं खड़े हैं। लेकिन जब हितेंद्र ठाकुर ये जान गए कि अभी नीलेश ने उन्हें देखा नहीं, तो वो सामने से आते हैं और क्या बोलते हैं वो देखिए। तो ये देखा आपने। इसके बाद जब आगे बढ़ती है बात, यानी राजनीतिक हलचल के लिए जब कदम आगे बढ़ते हैं, नारायण राणे पहुंचते हैं उस प्रांगण के नीचे जहां पर तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएं पूर्व वो सब बैठे होते हैं वहां पर। उस दौरान जब बात आती है कुर्सी में बैठने की, तो कुर्सी गिनी चुनी चार पाँच कुर्सियाँ थी जिसमें हितेंद्र ठाकुर, नारायण राणे, क्षितिज ठाकुर, प्रसाद लाड और नीलेश राणे और ये सब बैठ गए। कुर्सी बची नहीं। अब बैठना था क्षितिज ठाकुर को, क्षितिज ठाकुर के लिए भी कुर्सी नहीं बची, तो हितेंद्र ठाकुर ने अपनी कुर्सी छोड़कर क्षितिज ठाकुर को बैठने के लिए बात कही। ये देखिए, इसके बाद चलो ये पुत्र हैं, विधायक हैं, हो सकता है कि मनमोहक होने के कारण या मनमोह गया हो इसलिए पुत्र को सम्मान देने की कला दिख गई हो। लेकिन इसके अलावा एक और चीज देखिए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार परिचय कराया, ये भी देखिए। इसके बाद ये तो देखा आपने, इसके अलावा इन्होंने एक कुर्सी छोड़ने के प्रति जिस तरह बलराम जादव के लिए कुर्सी छोड़ी वो देखिए। सम्मान देने की ये कला ये साबित करती है कि हितेंद्र ठाकुर को राजनीतिक समझ इतनी गहरी है कि वो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार लेकर चलना है, किस प्रकार सम्मान देना है और कार्यकर्ताओं के साथ में दल को कैसे बल देना है, ये उनकी इस छवि से मालूम पड़ता है। अक्सर हितेंद्र ठाकुर के राजनीति पर कई सारे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम बढ़ा और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की कला है, ये बहुत लोगों को सीखनी भी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।